23 जून से शुरू होगा बाबा भीमराव बास्केटबॉल प्रतियोगिता। शहर की बालिकाओं के लिए आयोजित होगी प्रतियोगिता। चंद्रवदे नगर में खेला जाएगा मैच। महिला व बाल विकास मंत्री अनीता बदेल ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर 23 जून से शुरू हो रही बाबा भीमराव बास्केटबॉल प्रतियोगिता की जानकारी दी। मंत्री बदेल ने बताया कि यह प्रतियोगिता शहर की बालिकाओं के लिए आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में शहर की बालिकाओं को पहले आवेदन का फॉर्म भरना होगा, जो कि इंडोर स्टेडियम चंद्रवदे स्टेडियम मंत्री बदेल के निवास कार्यालय पर मिलेगा। कल यानी 6 जून से 12 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद 14 से 16 जून तक ट्रायल मैच खेला जाएगा। उसके बाद 17 जून को जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी टीम बनाई जाएगी। वह 23 जून को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। 23 जून से अजमेर शहर की बालिकाओं के लिए बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हम करने जा रहे हैं। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम को 31,000 रुपये और द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही उनको बास्केटबॉल का किट भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रतियोगिता 23 जून से प्रारंभ होगी और चंद्रताई नगर के खेल स्टेडियम में ये खेली जाएगी। शाम को 6 बजे मैचों का प्रारंभ किया जाएगा। इसके पूर्व में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बालिकाओं को आवेदन पत्र भरना होगा। ये आवेदन पत्र 6 तारीख से 12 तारीख तक शहर के विभिन्न 6 स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स केसरगंज, चंद्रवदाई नगर खेल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, GBI वैशाली नगर और साथ ही साथ में हम मेरा जो निवास स्थान का कार्यालय है उस कार्यालय पर भी ये मिलेंगे और खेल अधिकारी का जो ऑफिस चंद्रवदाई नगर में है वहाँ पर ये फॉर्म रखे जाएंगे, ताकि बालिकाएं इन फॉर्म को लेकर के अपना आवेदन कर सकती है। 12 तारीख के बाद में जितने फॉर्म हमारे पास आ जाएंगे उन सब बालिकाओं को इकट्ठा करके 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक ट्रायल मैच कहो या अभ्यास कहो, शाम को 5 बजे चंद्रदाई नगर स्टेडियम पर अभ्यास खेला जाएगा। 17 तारीख को उन बालिकाओं को सेलेक्ट करते हुए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और टीमें बनाने के बाद हम 23 तारीख को इसका उद्घाटन करने वाले हैं और 23 तारीख को उद्घाटन होने के बाद में ये मैचेस शुरू होंगे। इन मैचों में इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी और कोच इसमें निर्णायक की भूमिका अदा करेंगे। साथ ही साथ इस मैच को जो है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल मैचेस के जो रूल्स रेगुलेशन है उन रूल्स के तहत खिलाया जाएगा और खिलाने के बाद वो निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है शालू जी है, हमारे एक भैया जी हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ए क्लास और बी क्लास रेफरीज हैं, श्री नवनीत यादव जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, जसवंत कुमार जी हैं, कमल यादव जी हैं, तथा राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के RBI के श्री मनोज पांडे जी हैं और प्रवीण यादव जी के अतिरिक्त सुरेश कुमार हैं, मनोज कुमार जी हैं, ये निशांत जी हैं, ये सब लोग इस टीम इस मैच को कराने में इस प्रतियोगिता को कराने में जो समिति बनी हुई है उनके सबके मेंबर हैं, ये सब उस समिति तकनीकी समिति के मेंबर रहने वाले हैं। तो इस तरह से युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए और विशेषकर बालिकाओं के लिए, क्योंकि बालिकाओं के लिए इस तरह का आयोजन बहुत कम होता है, इसलिए इस बार हमने सोचा कि बालिकाओं के लिए ये इस प्रकार का एक नया प्रतियोगिता आयोजित की जाए, क्योंकि बालिकाएं बास्केटबॉल खेलती हैं। इसलिए प्रतियोगिता के जितने भी मैच होंगे वो सारे के सारे मैच चंद्रदाई नगर स्टेडियम पर खेले जाएंगे और सभी मैचों को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सारे मैच लाइव टेलीकास्ट होंगे और लाइव टेलीकास्ट होने के साथ साथ हम पब्लिक को भी आग्रह करेंगे कि बच्चियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पब्लिक भी वहाँ पर आए। तो इस तरह से बहुत ही एक अच्छे लेवल की और उमदा किस्म की ये प्रतियोगिता हम आयोजित करने जा रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम की ये प्रतियोगिता है और 23 तारीख को 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का निर्वाण दिवस है, इसलिए उस निर्वाण दिवस को इसको चुना है। उस निर्वाण दिवस से हम इस प्रतियोगिता का आगाज कर रहे हैं। एज ग्रुप क्या रखा है? एज ग्रुप इसका 12 साल से लेकर के 25 साल तक की बालिकाएँ, महिलाएँ और लड़कियाँ रहेंगी।